Hello everyone, welcome to the class number 12 of Introduction to MySQL. तो लास्ट क्लास में हमने कमिट कमांड के बारे में पढ़ा था और देखा था कि कमिट कमांड का काम क्या है. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कमांड के बारे में जिसका नाम है रोल बैक कमांड. रोल बैक मतलब क्या? कैंसिल. सपोज मैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ. उस ट्रांजेक्शन में मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसके द्वारा जो भी चेंजेस हुआ वो ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल रहा. मतलब मैं जैसे चेंजेस चाहता था ट्रांजेक्शन के द्वारा वैसे चेंजेस नहीं हुआ. तो वहां पे मैं चाहूंगा कि मेरा ट्रांजेक्शन मैं कैंसिल कर सकूं. तो वहां पे मेरे ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए मैं जो कमांड यूज करूंगा उस कमांड को मैं बोलूंगा रोल बैक कमांड. ओके, when a transaction is being executed unsuccessfully, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड इशू करने के बाद. क्योंकि अगर मैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज नहीं करूंगा और MySQL में अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो वो तो परमानेंटली सेव ही हो जाएगा. ओके, तो वहां पे अगर मैं कुछ कैंसिल करना चाहता हूँ उस ट्रांजेक्शन को तो कैंसिल नहीं कर सकता. पर अगर मैं अपने मर्जी से अगर चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे अगर कुछ ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उस ट्रांजेक्शन को पहले देखूं कि वो ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, तब जाके मैं डिसाइड करूँ कि मुझे ये ट्रांजेक्शन को सेव करना है परमानेंटली या फिर इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को. तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करने के बाद उसके बाद हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन को अगर मैं परमानेंटली सेव करना चाहता हूं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमिट कमांड को, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो अगर वहां पे मेरा ट्रांजेक्शन अगर अनसक्सेसफुल रहता है, मतलब मेरे ट्रांजेक्शन के द्वारा मैं जो भी चेंजेस चाहता था वो चेंजेस अगर मेरे डाटाबेस में नहीं हुआ है तो वहां पे मैं चाहूंगा कि मेरा ट्रांजेक्शन कैंसिल हो. तो वहां पे अगर मैं अपना ट्रांजेक्शन कैंसिल करना चाहता हूं तो वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा रोल बैक स्टेटमेंट या फिर रोल बैक कमांड को. ओके, तो वही लिखा है, अगर एक ट्रांजेक्शन जो भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रांजेक्शन अगर अनसक्सेसफुल होता है तो उस ट्रांजेक्शन को रिवर्ट करने के लिए या फिर उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रोल बैक स्टेटमेंट या फिर रोल बैक कमांड को. ओके, तो रोल बैक स्टेटमेंट या फिर रोल बैक कमांड का काम क्या है? रोल बैक स्टेटमेंट या फिर रोल बैक कमांड का काम यह है कि अगर हम कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं और उस ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल अगर नहीं होता है तो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए हम यूज करते हैं रोल बैक स्टेटमेंट या फिर रोल बैक कमांड को. पर ये कहां तक हमारा ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर पाएगा? जहां तक लास्ट कमिट है, मतलब लास्ट जहां पे हमारा ट्रांजेक्शन परमानेंटली सेव है वहां तक हमारे ट्रांजेक्शन को ये कैंसिल कर सकता है. ओके, तो अगर मैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करके कुछ ट्रांजेक्शन शुरू किया हूं, ओके, स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करके कुछ ट्रांजेक्शन शुरू किया हूं तो उसके बाद मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन को मैंने वहां पे परमानेंटली सेव नहीं किया है कमिट कमांड यूज करके, और वहां पे अगर मैं रोल बैक कमांड यूज करूंगा तो लास्ट कमिट कहां पे हुआ है? यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड पे. क्योंकि स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड का काम क्या है कि उससे पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा उस ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव कर देगा और परमानेंटली सेव करने के बाद उसके बाद नया ट्रांजेक्शन शुरू करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. तो लास्ट कमिट कहाँ पे हुआ है? लास्ट परमानेंटली सेव कहाँ हुआ है? जहाँ पे हमने स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को इशू किया है या फिर यूज किया है. तो रोल बैक कमांड अगर यूज करेंगे तो वहां तक या फिर वहां तक उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ है उस सारे ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा. ओके, पर अगर मैं बीच में कहीं पे कमिट कमांड यूज किया हूं, ओके, तो उस कमिट कमांड के बाद जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन को सिर्फ कैंसिल कर सकता है रोल बैक कमांड. और कमिट कमांड से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था वो ट्रांजेक्शन तो कमिट हो गया है कमिट कमांड के द्वारा, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता रोल बैक कमांड. ओके, तो ए कमिटेड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रोल बैक. अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और उसको हमने कमिट कर लिया है कमिट कमांड के द्वारा तो उस ट्रांजेक्शन को और अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं रोल बैक करना चाहते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को हम कैंसिल या फिर रोल बैक नहीं कर सकते. समझ आ गया? तो सिंटेक्स क्या है रोल बैक कमांड का? जैसे कमिट कमांड का सिंपल कमिट था या फिर कमिट वर्क था, वैसे रोल बैक कमांड का सिंपल रोल बैक या फिर रोल बैक वर्क. आप कुछ भी लिख के रोल बैक कर सकते हो. तो एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि मैंने एक टेबल बनाया है, उसमें डाटा इंसर्ट किया है एक डाटाबेस के अंदर, कॉलेज डाटाबेस के अंदर. तो उस टेबल को देखते हैं, स्टूडेंट टेबल को, और तीन रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं तीन फील्ड के साथ. ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड इशू किया या फिर यूज किया तो उसके बाद एक ट्रांजेक्शन करता हूँ अपडेट कमांड वाला. ओके, तो वहां पे ट्रांजेक्शन किया मैंने कि मेरा मार्क 100 करना है रोल नंबर 2 का. ओके, तो देखता हूं कि मैं जो ट्रांजेक्शन किया वो ट्रांजेक्शन मेरा सही है या गलत है. तो यहाँ पे 100 चेंजेस हो गया. तो बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पे 90 लिखने की जगह यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया. तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे तो 90 लिखना था, गलती से मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है.
तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा ट्रांजेक्शन कैंसिल हो। मैंने यहाँ पे जो अपडेट कमांड वाला जो ट्रांजेक्शन किया है, इस ट्रांजेक्शन को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा रोल बैक कमांड। तो रोल बैक कमांड का काम क्या है? रोल बैक कमांड का काम है कि वो ट्रांजेक्शन को कैंसिल करेगा कहाँ तक, जहां तक जहां पे लास्ट कमिट हुआ है वहां तक। लास्ट कमिट कहाँ पे हुआ है? स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड पे। स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड का काम क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन उससे पहले हुआ था उस ट्रांजेक्शन को कमिट करेगा, परमानेंटली सेव करेगा, उसके बाद नया ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो लास्ट कमिट कहाँ पे हुआ है? स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड में। तो उसके बाद लास्ट जहाँ पे कमिट हुआ था, तो उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं रोल बैक कमांड तक, सारे ट्रांजेक्शन को वो क्या कर देगा? सारे ट्रांजेक्शन को रिवर्ट कर देगा, सारे ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमने रोल बैक कमांड को क्या किया? रोल बैक कमांड को यहाँ पे हमने इशू किया। तो वहां पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है? अपडेट कमांड वाला ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसको वो क्या करेगा? उसको कैंसिल कर देगा। तो उसके द्वारा जो भी चेंजेस हुआ था, जो यहाँ पे 100 हुआ था, उसको वो कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करके उसके उससे पहले जो था डाटा, वही डाटा फिर से दिखाई देगा। तो देखते हैं, रोल बैक होने के बाद हमने फिर से सिलेक्ट कमांड को यूज किया स्टूडेंट टेबल में, और वहां पे फिर से हमने देखा तो वही 60 फिर से आ गया, जो 100 हमने अपडेट करके किया था वो कैंसिल हो गया रोल बैक कमांड के द्वारा। ओके, तो चलिए रोल बैक कमांड को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि रोल बैक कमांड कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम पहले ओपन करते हैं MySQL को, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक स्टूडेंट टेबल को यूज किया था, वहां पे हमने कमिट कमांड भी यूज किया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे डाटाबेस के अंदर हमने जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल बनाया है, वो टेबल यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद हमने उसको कमिट कर लिया था, परमानेंटली सेव कर लिया था। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को यूज करते हैं। स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यहाँ पे यूज किया, तो वहां पे हम अपडेट करते हैं स्टूडेंट डिटेल्स टेबल को। ओके, और सेट करते हैं मार्क कॉलम का वैल्यू 110, किसका? वेयर रोल इक्वल्स टू 3, जहां पे रोल नंबर 3 है, मुझे उसका मार्क चेंज करके 110 करना है। ओके, तो अभी सिलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं चेंजेस हुआ कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, क्योंकि टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट डिटेल्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ओ सॉरी, सिलेक्ट कमांड मैंने फिर से गलत लिख दिया है यहाँ पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर 3 का मार्क चेंज होके 110 हो गया है। तो मैंने तो मुझे यहाँ पे 111 करना था, गलती से मैंने यहाँ पे 110 लिख लिया। ओके, जब मैं अपडेट कर रहा था, तो मैं चाहूंगा कि मैं ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दूं। तो स्टार्ट लास्ट कमिट मेरा कहाँ पे हुआ है? जहाँ पे मैंने स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज किया है। तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करने के बाद मैंने क्या किया? एक ही ट्रांजेक्शन किया है, तो वो ट्रांजेक्शन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा अगर मैं अभी रोल बैक कमांड को यूज करूंगा या फिर इशू करूंगा। तो यूज करते हैं रोल बैक कमांड को। मैंने यहाँ पे रोल बैक कमांड यूज कर लिया है, तो अभी फिर से सिलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद, स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद मैंने जो ट्रांजेक्शन किया था, उस ट्रांजेक्शन को मैंने परमानेंटली सेव नहीं किया था, तो वहां पे मैंने रोल बैक कमांड को यूज कर लिया। तो क्या हो गया कि जो भी ट्रांजेक्शन मैंने किया था, वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया। ओके, तो उस ट्रांजेक्शन में कैसे बदलाव हुआ आपको पता चल गया कि रोल बैक कमांड हम क्यों यूज करते हैं। अगर स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद, स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद अगर मैं कुछ ट्रांजेक्शन करता हूं और उस ट्रांजेक्शन अगर अनसक्सेसफुल होता है, या फिर उस ट्रांजेक्शन के द्वारा मैं जो भी चेंजेस चाहता हूं उस तरह का चेंजेस अगर नहीं होता, तो उस ट्रांजेक्शन को अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूं, तो वहां पे उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए हम यूज करते हैं रोल बैक कमांड को। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया रोल बैक कमांड क्या है, रोल बैक कमांड हम क्यों यूज करते हैं। ओके,
तो आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि रोल बैक कमांड हम क्यों यूज करते हैं, रोल बैक कमांड कैसे काम होता है। तो हमने ये भी पढ़ा कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड क्यों है, क्यों यूज करते हैं उसको, कमिट कमांड क्यों यूज करते हैं, रोल बैक कमांड क्यों यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ कमांड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।